चलिए दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया हूं दोस्तों आपके लिए बहुत ही प्यारी कोठी लेके। आप पहले देखिए, इसका बहुत प्यारा एलिवेशन है और ये लोकेशन भी बहुत ही प्यारी होने वाली। सेक्टर 123 की 100 गज की ये दोस्तों कोठी का आज हम करने वाले हैं टूर। तो सबसे पहले देखिए आप इसकी एंट्रेंस और पार्किंग, और यहाँ पे आपकी एक गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी। इस पार्किंग का जो साइज़ होने वाला है वो है 10x9.8 का, और स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती हैं, ऊपर भी एक रूम मिल जाता है। अगर आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। और इसी के साथ आपको एक मिल जाती है टू व्हीलर के लिए पार्किंग, आप अपने साइकिल पार्क कर सकते हैं। और ये वाली आपको पार्किंग मिलती है, इसका जो साइज़ होने वाला है वो है 11.6x2.7 का। तो ये आपको मिल जाता है आपका पार्किंग एरिया। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती हैं, और ये सामने आपको जो विंडो देख रहे हैं ये आपकी किचन की विंडो मिलती है। आपको यहीं से पता चलता रहेगा आपके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो ये आ गई हमारी बहुत ही प्यारी एंट्रेंस। तो ये देखिए बहुत प्यारी एंट्रेंस, टीक वुड डोर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एक लग्जरी फील आ रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट कोठी आपको मिलने वाली है 100 गज में बनी हुई। तो ये आ गया दोस्तों बहुत ही प्यारा हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो ये कॉर्नर का यूनिट है, ये सैंपल दोस्तों कॉर्नर का है, आपको इसमें दूसरी इन्वेंट्री भी मिल जाएगी। कॉर्नर का तो दोस्तों यहाँ पे आपको विंडोज बहुत मिलती है वेंटिलेशन के लिए। और सबसे पहले देखिए आप पूरे दोस्तों ड्राइंग एंड डाइनिंग का व्यू, और आप जितना दोस्तों देख रहे हैं डाउन सीलिंग देख रहे हैं, सारी आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। और यहीं पर आपको एक अगर आपको बहुत बड़ा एक टीवी कैबिनेट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। और डाउन सीलिंग देखिए बहुत ही प्यारी मिलती है। जितनी भी दोस्तों आपको डाउन सीलिंग देख रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। तो एक बार पूरे देखिए आप ड्राइंग एंड डाइनिंग एक बार व्यू, तो बहुत प्यारा बना हुआ, एक 100 गज में एक आपको लग्जरी फील आएगा। और इस ड्राइंग एंड डाइनिंग का जो साइज़ होने वाला है वो है 18x10.6 का। तो ये था हमारा ड्राइंग डाइनिंग। इसी के साथ दोस्तों हमारी आ जाती है मॉडुलर किचन, और ये आ जाती है हमारी मॉडुलर किचन। एज इट इज आपको मॉडुलर किचन मिलने वाली है। आप पहले देखिए पूरे मॉडुलर किचन के व्यू, जितनी भी दोस्तों आप देख रहे हैं, जो भी काम हुआ है वो सब कुछ आपको एज इट इज मिलने वाला है। और इस जो मॉडुलर किचन का साइज होने वाला है वो है 10.6x7.6 का। तो ये देखिए सारे आपको जो जितनी भी किचन है सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलने वाली है, और आपको डबल सिंक मिल जाता है, और जितनी भी फिटिंग है सारी आपको रोका ब्रांड की मिलती है। ये हमारी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे आपको प्रिजनिंग मिल जाती है चिमनी की, और ऊपर ये आपको हाइड्रोलिक किचन मिल जाती है। तो अभी दोस्तों पेंटिंग का काम चल रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिख जाएगा, तो उसके लिए बहुत बहुत दोस्तों मैं क्षमा मांगता हूँ आपके लिए आपसे। और ये देखिए आपको हाइड्रोलिक किचन आपको ऊपर मिलती है। तो ये हमारी मॉडुलर किचन, और नॉइज़ प्रूफ सिंक मिलता है, फिटिंग जैसे मैंने आपको बताई सारी आपको रोका ब्रांड की मिलती है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले बेडरूम में, और ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। और इस बेडरूम का जो साइज़ होने वाला है एक बहुत अच्छे साइज़ का दोस्तों ये आपको ये बेडरूम मिलता है। तो सबसे पहले देखिए आप पूरे बेडरूम के व्यू, तो कॉर्नर यूनिट है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वेंटिलेशन मिल जाती है। और इस रूम का जो साइज़ होने वाला है वो है 12.6x10.2 का। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, और आपको वार्डरोब मिल जाते हैं रूफ हाइट तक। ये देखिए अंदर आपको लॉकर मिल जाता है, और आपको यहाँ पे टीवी पैनल मिल जाता है। और डाउन सीलिंग अगर आप देख रहे हैं तो डाउन सीलिंग आपको LED लाइट्स के साथ एज इट इज़ मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, जहाँ से आपका दोस्तों रियर कोर्टयार्ड विजिबल होता है। और इसी के साथ हमारा अटैच मिल जाता है वॉशरूम, और वॉशरूम में आपको जितनी भी फिटिंग है, चाहे वो सैनिटरी वेयर है चाहे वो सैनिटरी फिटिंग है, सारी आपको रोका ब्रांड की मिलती है। और इस वॉशरूम का जो साइज़ होने वाला है वो है 6.4x5.6 का। तो एक अच्छे साइज़ का आपको वॉशरूम मिलता है। रूफ हाइट से टाइल्स मिलती हैं, तो कोई भी सील एंड पपड़ी का इशू ही नहीं है। विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए भी इसमें मिल जाती है। तो ये था हमारा पहला बेडरूम। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ, और अब फिर से आ जाते हैं हमारे ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, और यहाँ से हमारा एक्सेस आ जाता है हमारे सेकंड बेडरूम का। और डोर देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे डोर हैं, एक दोस्तों कोठी वाला फील आता ही आता है। और ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। अगेन दोस्तों डाउन सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलती है, और पूरा देखिए दोस्तों व्यू, एक अच्छे साइज़ का आपको ये बेडरूम मिलता है।
तो आप पहले इसका पूरा व्यू देख लें। और इस बेडरूम का जो साइज होने वाला है वो है 12.6x10.2 का, अगेन वही सेम साइज का आपको बेडरूम मिल जाता है, ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है आपको दोस्तों, आपके वार्डरोब मिल जाते हैं, स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग आपको पूरे घर में मिल जाती है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग मिल जाती है, और इसी के साथ हमें यहाँ से एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। उससे पहले मैं आपको वॉशरूम का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा वही अटैच वॉशरूम आ जाता है, अगेन जो इसका साइज होने वाला है 6.4x5.6 का। वैनिटी आपको रोका ब्रांड की मिलती है, सेंट्री फिटिंग आपको रोका ब्रांड की मिलती है, वॉल एंड सीट भी आपको सारा कुछ रोका ब्रांड का मिलता है, मिक्सचर है, शावर है, कुछ भी सारी एक्सेसरी रोका ब्रांड की। रूफ आइट साइड टाइल्स हैं तो सीलन पपड़ी का कोई इशू ही नहीं है। तो ये देखिए वैनिटी में नीचे भी आपको यहाँ पे स्टोरेज एरिया मिल जाता है। तो इसी रूम से आपको एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का। तो ये आ गया हमारा रियर कोर्टयार्ड, और ये देखिए यहाँ पे आपको प्रोविजनिंग मिलती है एक टैप की, जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और इस कोर्टयार्ड का जो साइज होने वाला है वो है 7.6x6 का, और यहीं पे आपको दोनों वॉशरूम की और आपके दोनों बेडरूम की वेंटिलेशन भी मिलती है। बहुत बड़ा डक्ट एरिया मिल जाता है दोस्तों। अभी वेदर भी बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी हवा आ रही है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का व्यू। यहाँ पे आपको दोस्तों दो फ्लोर ऊपर बनाने और अप्रूव है, तो अभी ऊपर एक दोस्तों बेडरूम बना हुआ है जो पूरा 1 BHK, तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ। उसको आप रेंट आउट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये देखिए दोस्तों स्टेयर्स बहुत अच्छी लग रही हैं, ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ से हम आ जाते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे, और ये देखिए दोस्तों ये आ गई हमारी फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी ये बालकनी मिल जाती है फ्रंट में, इसका जो साइज़ होने वाला है 26x6 का। और ये देखिए मेरे पीछे पूरा ये सेक्टर 123 है, पूरा दोस्तों बसा हुआ एरिया है। आप भी अगर 123 में बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के पास अपना घर लेना चाहते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट कोठी, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे बेडरूम के अंदर, और यहाँ से एक्सेस आ जाता है हमारे बेडरूम का। और सबसे पहले आपको देखिए एंट्रेंस देखिए, बहुत ही प्यारा डोर मिल जाता है, और ये हमारा आ जाता है एक सिटिंग एरिया। और यहाँ पे आपको एक किचन की प्रोविजनिंग करके दी जा रही है। पहले आप देखिए इसका पूरा व्यू, और यहाँ पे आप अपनी सिटिंग एरिया दोस्तों बना सकते हैं। किचन आपको ये एज इट इज़ मिलेगी, और इस एरिया का जो साइज़ होने वाला है वो है 13x10.6 का। और विंडो मिलती है आपको वेंटिलेशन के लिए, और अगेन आपको डाउन सीलिंग मिल जाती है रूफ पे, यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। तो इसी के साथ हमारा आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऑफिस सेटअप बना रखा है। तो ये हमारा बेडरूम है, इसका जो साइज़ होने वाला है वो है 13.6x10.6 का। आप देख रहे हैं कॉर्नर का यूनिट है, तो आपको बहुत सारी विंडो मिल जाती हैं, स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग आपकी डाउन सीलिंग LED लाइट्स के साथ, यहाँ पे भी बहुत बड़ी विंडो, और यहाँ पे आपका मैश डोर आ जाता है वेंटिलेशन के लिए। और आपको दोस्तों TV पैनल मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है दोस्तों, बहुत अच्छा पैकेज है। सारी डिटेल प्राइसिंग की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको आप ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाते हैं रूफ हाइट तक, ये देखिए एक अच्छे साइज़ के बहुत बड़े आपको वार्डरोब मिल जाते हैं, और आपको आपका ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, और ड्रेसिंग एरिया के नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। ड्रेसिंग एरिया आपको हर रूम में बना के दिया जा रहा है, जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ आपको अटैच मिल जाता है वॉशरूम। आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू, सारी फिटिंग आपको रोका ब्रांड की मिलती है। और इस वॉशरूम का जो साइज़ होने वाला है वो है 7.7x5.6 का। रूफ हाइट तक आपको टाइल्स मिल जाती हैं, वॉल एंड सीट मिल जाती है, सारी फिटिंग आपको रोका ब्रांड की मिलती है, चाहे वो आपका सेंट्री वेयर है, सेंट्री फिटिंग है, आपकी सारी वैनिटी सब कुछ रोका ब्रांड का ही मिलने वाला है। और चलिए ये था हमारा 3 BHK इंडिपेंडेंट कोठी का व्यू। आप भी दोस्तों इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। और यहाँ पे दोस्तों अभी हमारा एक सरप्राइज पैकेज है, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी रूम मिलती है, ये देखिए। और यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और इसका जो साइज़ होने वाला वो है 26x13 का। और यहीं से आपको एक्सेस मिलता है हमारी सेकंड फ्लोर का,
और यहाँ पे दो फ्लोर दोस्तों अलाउड है, आप ऊपर भी बना सकते हैं, जैसा घर नीचे बना आप ऊपर भी बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी दोस्तों अपॉर्चुनिटी है। इंडिपेंडेंट घर में यही एडवांटेज है, आप अपने दोस्तों दो फ्लोर ऊपर और बना सकते हैं। तो आप भी अगर अपना घर देख रहे हैं वो भी जड़ से, जहाँ पे आपका छत भी अपनी हो, ज़मीन भी अपनी हो, और वो भी प्राइम लोकेशन सेक्टर 123 की, तो आप इसको एक बार ज़रूर विजिट करें। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।